सुदामड़ी थाना क्षेत्र के रिवर साइड में छठ पूजा के पारण के दिन हुए 5 घरों में 25 लाख के भीषण चोरी। मामले को लेकर रिवर साइड की ग्रामीण महिला, पुरुष एवं पूर्व पार्षद प्रियंका देवी के नेतृत्व में रिवर साइड लाल मैदान हटिया से जन आक्रोश रैली निकाला, जो न्यू माइंस होते हुए सुदामड़ी थाना पहुंचकर थाने का घेराव किया, जिसे महिलाएं हाथ में तख्ती लिए हुए चल रही थी, जो काफ़ी उग्र थी। रैली के दौरान एवं थाना गेट के समक्ष पुलिस प्रशासन होश में आओ, चोरी का सामान बरामद कराओ, थाना में पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार बंद करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। लगातार हो रही चोरी की घटना पर रोक लगाओ, थानों में दलाली बंद करो और पुलिस पेट्रोलिंग तेजी लाई जाए आदि नारे लगा रहे थे। इस दौरान पूर्व पार्षद प्रियंका देवी ने कहा कि रिवर साइड में लगातार चोरी की घटना घट रही है, जिसे पुलिस रोकने में असमर्थ है या रोकने का प्रयास नहीं कर रही है, जिसके कारण चोरों का हौसला बुलंद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोरापुकुर सर्किल इंस्पेक्टर से वार्ता हुई है कि 10 दिनों के अंदर चोरी के मामले एवं सामान की बरामदगी नहीं हुई तो इससे भी जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जोरापुकुर सर्किल इंस्पेक्टर संजीव तिवारी ने कहा कि रिवर साइड के 5 घरों में चोरी हुई थी, जिसको लेकर महिलाएं थाना पहुंची है। जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और पीड़िता के साथ थाने में दुर्व्यवहार के मामले पर उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत पर वैसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी और वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। चूंकि छठ के पारण के दिन रिवरसाइड कॉलोनी में 4-5 घरों में चोरी हो गई थी, इसलिए वहाँ के लोग थोड़ा आक्रोशित हैं। वो अपनी कुछ डिमांड को लेकर के हम लोगों के पास में आए थे और मिले हम लोगों से। देखिए, जहाँ तक है, जो भी उस दिन की घटना घट जाने के बाद से हम लोग भी, मतलब जो पुलिस की टीम है वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। वहाँ का जो टेक्निकल इनपुट मिला है उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ लोकल क्रिमिनल्स को भी पकड़ करके लाए हैं, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुँचे हैं। अब इनकी डिमांड है कि केस का उद्भेदन जल्द से जल्द, हम भी प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। द्वारा कहा जा रहा है कि थाने में पीड़िता को प्रताड़ित किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग अपनी बात ये रखे हैं, थाना प्रभारी को हम इस समय में निर्देश दिए हैं और ये भी बोले हैं कि कोई भी ऐसी बात हो तो नंबर हम अपना भी लोगों को दिए हैं, वरीय पदाधिकारी का भी नंबर है, आप किन्हीं से बात कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि थाना का आपको न्याय नहीं मिला, ऊपर भी वरीय पदाधिकारी हैं, हर लेवल पे बैठे हैं, इंस्पेक्टर हैं, DSP हैं, SP साहब हैं, फिर सीनियर SP हैं, सब लोग हैं, कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। तो पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार की बात, तो मतलब अगर कोई पीड़िता अगर इससे हम लिक्विडेटेड कंप्लेंट करती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, जो भी पदाधिकारी अगर किया है। अगर कोई भी पीड़िता हमारे पास कंप्लेंट करती है कि हमारे साथ ऐसा किया गया है तो उसके आवेदन को हम लोग भेजेंगे, वरीय पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई करवाई जाएगी। थाना वार्ता के लिए गए, आश्वासन यही मिला कि हमको 10 दिन एक सप्ताह और समय दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और देखिए, सुदामडी में इतना चोरी के घटना घट रहा है कि सभी लोग दहशत में जी रहे हैं, खुलेआम चोरी हो जा रहा है। अभी 5 घर में हुआ है, आगे दिन जाके 10 घर में होगा, 20 घर में होगा, धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ रहा है। और थाने चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, सिर्फ बोलते काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए आज जन आक्रोश रैली निकाला गया है थाना घेराव के लिए। आश्वासन मिला 10 दिनों के अंदर। हाँ, इतना बड़ा घटना घटा है, 10 दिनों के अंदर कुछ वैसा नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा जन आक्रोश निकलेगा। चुप हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। थाना में तो प्रभारी सर अभी भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग को समय दीजिए, कुछ लिंक आया है सो समय दीजिए, और समय देने के बाद में है 8-10 दिन का, आप लोग को जेवर चाहिए, जेवर हम लोग देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। सो है, कब देंगे लिखित नहीं है। सो है, 10 दिन का टाइम मांगा। हाँ, 10 अभी तक जो इंक्वायरी नहीं किया वो आगे क्या करेंगे। सो है के अंदर तो सही है, और नहीं तो हम तो बोले कि अगर यही चाह रहे हैं कि पब्लिक आके आपके थाना पर बैठे रहे तो यही होगा, और क्या बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, थाना के द्वारा ये भी बोला जा रहा है, हम लोग जब आ रहे हैं बारी बारी से तो ये भी बोला जा रहा है कि अपना सामान लोग चोरी कर लेते हैं और आ जाते हैं थाना में कंप्लेन करने के लिए। कहाँ तक सही है? हाँ, ये बात कहाँ तक सही है? अब हाँ, मेरा तो सामान गया है, तो हम तो सर यहाँ आए हैं। ये बात बोला गया था? किसको बोला गया था ये बात? हम लोग सब 20-25 आदमी आए थे, उसी में से जनता के बीच में बोला गया है, दलालों से बोला जा रहा है। सो है, सो है, जाता कितना है? ठीक है, अगर ठीक है, हम बता रहे हैं, ये बोल रहे थे कि जाता कितना है और लिखाता कितना है। आप कैसे जान रहे हैं कि मेरा कितना जेवर था? 8-8 लाख का जेवर घर में रखता है, जिसके घर में 4 औरत है नहीं 8 लाख का जेवर रखता है।
है, सो है इस तरीके से यहाँ पे भाषण बोला जाता है जी। यहाँ पे है कि अभी तक कुछ नहीं है, यहाँ पे तो थाना में घुसने के बाद में अगर आप अकेले आ जाइए तो वो लोग गरिया करके भेजता है, और रिकॉर्डिंग भी है जो गाली देता है ना, रिकॉर्डिंग भी है, जरूरत पड़ेगा तो पूरा पब्लिक और के सामने किया जाएगा कि कौन थानेदार है, कि रिकॉर्डिंग दिखाएंगे पूरा सबके सामने, क्या कह रहे, कोई अगर आ जाता है अपना दुख लेकर के तो वहाँ से गाली दे के भगा जाता है ना, और रिकॉर्डिंग है कि किस तरीके से मिसबिहेव करते हैं पुलिस पब्लिक के साथ। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।